बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे खुश और आबाद होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। यहाँ पर जी खा रही हूँ मैं मीठा मीठा सा मैंगो, और मैं मैंगो को ना वेरी स्पेशल स्टाइल में कट करके इनके चंक्स बना के खाती हूँ। इस तरह जो है ना मैं मैंगो को मैं बड़ा इंजॉय करती हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और स्पेशली आप इस तरह कट करके जो है वो आप उसको डिज़र्ट में भी सेट करके खा सकते हैं। खैर, मैं मैंगो खाते खाते मामा साथ डिस्कस कर रही थी कि मामा मैंने ना कुछ अपनी स्टेशनरी लेनी है और साथ में जो है ना वो अपनी ग्रॉसरी करनी है। जो मैंने खाने पीने का सामान है ना वो फिनिश हो गया है और मुझे चैन नहीं आ रहा उसके बगैर। और साथ ही मामा मेरी भी सोच रही थी कि हाँ घर का भी कुछ सामान लेना है, ग्रॉसरी करनी है। तो बस जी बैठे बैठे हमारा सडनली प्लान बन गया कि चलें फिर हम इम्तियाज़ चले जाते हैं, ग्रॉसरी शॉपिंग करेंगे और साथ में मैं अपनी जो है वो भी शॉपिंग कर लूँगी। और ये देखिए जी, आप मेरी स्पीडें चेक कर ही रहे हैं। जैसे ही हमारा प्लान जो है वो फाइनल हुआ, मैंने फटाफट से अपनी स्पीडें पकड़ी और मैंगो फिनिश किया और ये हम घर से निकल आए हैं ग्रॉसरी के लिए। ये जी मॉल पहुंचते ही सबसे पहले जो है ना वो मैं स्टेशनरी अपनी रैंक में आई। मैंने कहा सबसे पहले जो मैंने स्टेशनरी स्टडी से रिलेटेड चीज़ें चाहिए थी वो ले लूं, ताकि इससे जो है ना मेरी मामा का मूड भी रिलैक्स रहे। क्योंकि मैंने घर से यही बहुत ज़्यादा फोर्स करके आई थी कि मेरे पास पेन्स नहीं है, रजिस्टर चाहिए मुझे, ये तो मैंने कहा अगर मैं दूसरी साइड पर आई ना किसी खाने पीने वाली साइड पर तो मेरी मामा को जो ना एकदम से गुस्सा चढ़ जाए ना। और आपको पता है जब माओं को गुस्सा चढ़ता है शॉपिंग करने का मज़ा ही नहीं आता और वो फुल गुस्से से रहती हैं, क्योंकि न होता कि कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें जो है ना वो ना लें। और ये देखिए जी मामा भी यहाँ पर अपनी शॉपिंग करना स्टार्ट हो गई और साथ में हम भी जो जो चीज़ें हमें चाहिए थी हम साथ साथ रखे जा रहे थे। बस जो आज मैं मेंटली प्रिपेयर थी कि फातिमा मैंने दिल खोल के शॉपिंग करनी है और उसके बाद मुझे डांट भी ढेर सारी पड़नी है, लेकिन खैर मैंने अपने आप को समझाया था फातिमा आज जो है ना दिल खोल के शॉपिंग करो, जो डांट वगैरह वो बाद में देखा जाएगा। तो यहाँ पर मैं ढीठ होकर जो है ना वो शॉपिंग कर रही थी और मैं अचार वगैरह रख रही थी। मेरी मामा मुझे देख रही थी किसकी क्या ज़रूरत है। मैंने कहा मामा हम सब मिलकर खाते। खैर जी मामा साथ साथ मुझे बर्दाश्त कर रही थी और हमारा जो जो दिल कर रहा था वो हम चीज़ें रखे जा रहे थे, सॉसेस, केचप्स और साथ में कॉर्न्स वगैरह, जो जो हमें नज़र आ रहा था और जो हमें ज़रूरत थी मैं रखी जा रही थी। और फिर मैं मेंटली भी सेटिस्फाइड थी क्योंकि मेरे बाबा जान ने मुझे जो है वो सेपरेट पेमेंट दी हुई थी मेरी शॉपिंग के लिए, और कुछ मैं इतनी देर बाद जो है वो शॉपिंग पर आई थी तो इतना तो बनता है। क्योंकि मामा ने तो कुछ भी ग्रॉसरी अगर मामा की फिनिश हो गई हो या मामा ने कोई घर का सामान मंगवाना हो तो ईजिली भाई से मंगवा लेती हैं, और अगर वो ही चीज़ अगर मैं अपनी ग्रॉसरी के भाई से मंगवाऊं तो बस जी वो तो इतने आसानों पर आ जाते हैं ना। और बस जी फिर खूब हमसे तरले मिलते करवाने के बाद जो है वो हमारा काम करते हैं और फिर उस काम के बदले में इतना एहसान भी जता देते हैं और उसे डबल ट्रिपल हमसे भी काम निकलवा लेते हैं कि मेरे नूडल्स बना दो, मेरा ये काम कर दो, फलां काम कर दो। और अगर हम मना कर दें तो फिर जी होता है कि नेक्स्ट टाइम मंगवा कर तो दिखाओ ज़रा, फिर हमें मजबूरी में जी उनके काम करने पड़ते हैं। और बस यहाँ पर मैं अपने नूडल सेशन पे आ गई। यहाँ पर आके तो मैं दिल करता है कि मैं सारे नूडल्स ही उठा लूँ और अपने घर में जाके अपनी कबर्ड में सजा लूँ इन्हें। और जब मैं इतने नूडल्स ले रही ना तो मेरे भाई कह रहे थे फातिमा इतने फ्लेवर्स क्यों ले रही हो, तो मैंने कहा आप फिक्र ना करें जी मेरे पास मेरी अपनी सेपरेट पेमेंट है। तो बस जी फिर वो मुझे मक्खन लगाने लगी, अच्छा ये भी ले लो, ये वाला फ्लेवर भी ले लो, क्योंकि उन्हें पता था कि घर जाके तो मैंने भी खाने हैं। बस जी ये बहुत चालाक होते हैं भाई, हम बहनों को जो है वो दादू लगा लेते हैं। और बस जी मैं अपने आप को भी यही कह रही थी फातिमा जितनी शॉपिंग कर सकती हूँ ना मैं इतनी कर लूँ कि मेरे 2-3 हफ्ते जो है ना वो आराम से गुजारा हो जाए, मुझे किसी के भी तरले में इतना करने पड़े और मैं आराम से जो है ना अपनी डोब से शॉपिंग जो है वो इन्जॉय करूँ। और बस जी जब मेरी चीज़ें फिनिश हो जाएँ फिर आ जाएंगे दोबारा अपनी बहन वाली तरले मिनतों वाली स्टेज पर। और यहाँ पर जी हम आगे थे वेजिस सेशन पर और मेरी मामा जो है वो वेजिस वगैरह वेजिटेबल्स वो बाय कर रही थी, साथ में हम लोग भी चीज़ें जो है वो ले रहे थे जो मुझे इस स्टोर से इस सेशन से चाहिए थी। और मेरे भाई जो है वो भी माशाल्लाह से खुल के आराम से अपनी शॉपिंग कर रहे थे, लेकिन बड़े ही एहसान ये कि मैं आप लोगों के साथ आया हुआ हूँ और मैं साथ में ट्रॉली हैंडल कर रहा हूँ। बस जी ये तो भाई लोगों के ही काम होते हैं क्योंकि मुझे ट्रॉली हैंडल करने वैसे भी पसंद नहीं है। और माशाल्लाह से हमने काफ़ी जो है वो शॉपिंग कर ली थी और मेरी मामा यहाँ पर ना मुझे थोड़ा डांट रही थी काउंटर सेशन पे कि तुमने मेरा बिल जो है वो डबल करवा देना। और मैं अपनी मामा को कह थी नहीं मामा ऑनलाइन रखे, मेरे पास जो है वो मनी है। और यहाँ पर जो हम घर आ गए हैं अपनी शॉपिंग माशाल्लाह से करके, चलिए जी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैंने क्या क्या शॉपिंग की है और जो कुछ मामा का कुछ अगर सामान आ गया ग्रॉसरी वगैरह तो मैं उनको दे दूँ, और जो मेरी अपनी चीज़ें उन्हें मैं अच्छे से ऑर्गेनाइज करके अपने कैबिन पर रख लूँ। और स्पेशली स्पेशली थैंक्स टू माई बाबा जान जिन्होंने मुझे माशाल्लाह से इतनी ज़्यादा शॉपिंग करवाई। तो बस ये गपशप करते हुए मैं आप लोगों के साथ अब अपनी ग्रॉसरी शेयर करती हूँ। और ये जो मैंने केचप मायोनीज और साथ में चिकन टिक्का लिया ये भी बहुत ज़रूरी था। करते हैं वेबसाइट पर।
जो मैंने पानी पूरी इस बार लिया इंस्टेंट, मुझे अच्छी लगी थी, मैंने कहा चलें बाय करते हैं। और वैसे आपको पता है गोलगप्पे बनाने में ना घर में इतना टाइम लगता है, तो मैंने कहा चलें ये पूरी है, इन्हें सिर्फ इंस्टेंट लिए, सिर्फ फ्राई तो करने, तो मैं खुद भी कर सकती हूँ। तो हम जब इंशाल्लाह मैं ट्राई करूंगी तब मैं आप लोगों के साथ इसका कम्प्लीटली रिव्यू जो है वो शेयर करूंगी कि कैसा है, ठीक है। और यहाँ साथ जी मैंने मिक्स अचार लिया है, अचार के बगैर तो खाना जी इनकम्प्लीट है, मुझे अचार बहुत ही पसंद है स्पेशली फॉर टेस्ट। और नेक्स्ट यहाँ पर मैंने ये तक्का मैक्रोनी लिया है और साथ में जी स्पेगेटीज, क्योंकि ये इनके बगैर आपको पता है ये टेस्ट के लिए तो ज़रूर होते हैं स्पेशली बच्चों के लिए, मेरे एकदम से क्रेविंग होने लग जाती है तो मैं खुद भी अब बना लेती हूँ। और ये जी मेरी फेवरेट, मेरा साथी नूडल्स चटपटा, मेरी और मेरी सिस्टर के फेवरेट, और ये मैंने मामा दान के लिए ले ली थी क्योंकि मेरी मामा सिर्फ ये फ्लेवर खाती हैं और वो कोई फ्लेवर जो है नहीं खाती चिकन, तो मेरे मामा के लिए साथ में चटपटा हमारा हो गया। और यहाँ कुछ फ्लेवर्स न्यू भी आए थे तो मैंने सोचा चलिए इस बार इन्हें भी ट्राई करते हैं, क्योंकि मुझे नूडल्स के फ्लेवर ट्राई करने बहुत पसंद है, न्यू न्यू फ्लेवर्स ट्राई करना। ये मैंने कुछ फ्लेवर लिए थे जिसमें जी चिकन चटका रहा थे, साथ में लेमन तड़का था और साथ में जी ये मीट मसाला था, तो इस बार चलिए जी इनका फ्लेवर ट्राई करते हैं कि ये कैसे है। और साथ में ये और नूडल्स के पैकेट और ये कुछ टिक्की पैक थी, नूडल्स में जितने भी लेमन कम ही लगते हैं तो मैं नूडल्स में जो है ना दिल खोल के शॉपिंग करती हूँ नूडल्स की। और यहाँ पर मैंने जो है ना ये एक स्वीट कॉर्न्स का जो है वो पैक लिया था, क्योंकि मैंने इस बार मामा का चीज़ी कॉर्न्स वगैरह ट्राई करेंगे और यहाँ कभी भी मैक्रोनी स्पेगेटी में एज अ फ्लेवर ऐड करने पड़ जाए, तो मैंने एक इनका जार लिया था। और साथ में एक ये चाट मसाला, ये फ्राइज के ऊपर डाल के और चीज़ें चटपटी करनी हो तो चाट मसाला तो आपका फेवरेट है मसाला मेरा तो। और साथ में यहाँ मैंने रस बाय किए थे क्योंकि मुझे खाली चाय पीना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, साथ में मुझे होता है कोई बिस्किट्स या रस या पफ्स वगैरह जरूरी है। और एक जो है मैंने एक न्यू फ्लेवर चाट मसाला जो है वो भी बाय किया था, क्योंकि चाट्स वगैरह में अगर मुझे जरूरत पड़ जाए तो मैं ले लूँ। और साथ ही मैंने अपने ज़रा पेंस लिए क्योंकि मेरे इन पेंस जो है ना काफ़ी कम लग रहे थे मुझे, साथ ही मैंने एक शैम्पू लिया अपना हेयर वॉशिंग के लिए, और मेरा कॉम्ब जो है वो इतना रफ हो गया था तो मैंने मामा से कह के एक न्यू जो है वो न्यू हेयर कॉम्ब लिया, और ये काफ़ी सॉफ्ट भी, और मुझे इसका कलर और टेक्सचर भी बड़ा अच्छा सा लग रहा था स्वीट सा, तो मैंने ये बाय किया। और आई थिंक सो ये मेरा काफ़ी डन है, सॉसेस मैं लेके आती हूँ। और ये जी मैंने सॉसेस ली थी जिसमें जी चिली सॉस है, सोया सॉस है और साथ में वाइट विनेगर, जो कि मैंने अपनी चीज़ों में चाइनीज़ फूड्स में लगाना होता है तो ये मसाले सॉसेज जो है मैं ज़रूर लेती हूँ। इतनी ज़्यादा शॉपिंग तो ये मेरी है, इसके अलावा प्लस मैंने चिकन कबाब लिए थे और साथ में पैटीज ली थी और साथ में पराठा जो है रोल्स वो लिए थे, ताकि ये मेरी क्रेविंग्स जो मुझे होती हैं मामा जब मेरी रेस्ट कर रही हो तो मैं खुद जो है ना अपनी स्ट्राविंग और हंगरनेस को जो है ना सर्वाइव कर सकूँ। और ये थी जो मेरी आज की शॉपिंग, और काफ़ी जो मैंने आपको बताया वेजीज वगैरह ली थी वो मैंने फ्रीजर में रख दी थी, क्योंकि आपको पता है भाई इतनी गर्मी है कि वो ख़राब हो जाती, अब इन सब चीज़ों का ना मैनेज कर लेती हूँ। ये खैर माशाल्लाह से मैंने शॉपिंग आज के जो मेरे बाबा ने मुझे करवाई है, अगर मैंने मामा के साथ शेयर की ना अपनी इतनी नूडल्स फैमिली तो मुझे मेरी खैर नहीं है, मुझे बहुत डांट पड़ने वाली है। और बस जी मैम सब चीज़ों का अपना जो ना सेट करने लगी है, मैंने बास्केट लिया जिसमें मैं अपनी चीज़ें जो है ऑर्गेनाइज कर दी अपनी नूडल्स वगैरह। और आपको पता जब मैं शॉपिंग करी ना मैंने नूडल्स लिए तो मेरी मामा ने वीडियो देखने के लिए इतने फ्लेवर्स तो नहीं थे लिए, लेकिन आपको पता है नूडल्स के मामले में मैं थोड़ा दाल दूर लगा लेती हूँ, मैंने कुछ फ्लेवर्स एक्स्ट्रा भी पैकेट रख दिए थे क्योंकि ये मुझे पता है मैंने ऐसे चटपट कर देना है। और मैं बास्केट भी छोटी पड़ गई है मैंने नूडल्स के लिए। और अगर आप लोग सोच रहे हैं सारे नूडल्स मेरे अकेले के हैं तो ऐसा नहीं है, मेरे बहन भाइयों के भी हम वो भी खाएंगे, और आप लोग ये बिल्कुल ना सोचिएगा कि सारा कुछ जो है वो मैं ही खाऊंगी, ऐसा नहीं है पॉसिबल, और स्पेशली जब मेरे सिबलिंग्स के साथ हैं क्योंकि उन्हें भी क्रेज है, वो भी फुल मेरी तरह नूडल्स लवर्स हैं, तो खैर हम लोग सारे जो है ना वो एक ही बात के हैं। और ये जी ये दूसरे बास्केट में दूसरी चीज़ों के लिए ये पानी पूरी वगैरह और मैक्रोनी जो है ये मैं अपनी ये सारी चीज़ें जो है ना पोर्शन में करके अपने कैबिन में रखूँगी, क्योंकि ये मेरा सामान है, मेरा माल है। और शायद ये चीज़ें ये चाट मसाला और ये वाला भी, ताकि जब मैं रात को मुझे
क्रेविंग हो या जब मेरा मूड हो तो मैं आराम से अपने रूम से, अहो ये सॉरी ये मैं अपने ड्रेसिंग में रखूंगी, ये इसमें नहीं आएगा, क्रॉसवेयर खाने पीने के सामान में। और ये जो रेस्ट ऑफ द चीज़ें हैं ये तो आपको पता है मामा भी यूज़ करती है, तो ये सब जो है किचन में जाएंगे, सॉसेस और केचप्स और अचार और ये सब, और ये जी ये मेरे कैबिन में जाएंगे। चलिए मैं रखती हूँ, तो चलिए जी इनके रखते हैं कैबिन्स में। और इसको जो मैं बाद में रखती हूँ किचन में, इसको मैं करती हूँ अभी साइड पर। और मेरी खास चीज़ तो रहेगी स्पेशली जो मेरी स्टडी से रिलेटेड है, मेरी स्टेशनरी, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर ये मैंने स्टेशनरी का लिया था जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया, मैंने बॉल पेन। तो ये डायरी जी मेरे बाबा ने मुझे गिफ्ट की थी। ये थोड़ा सा मेरे से फट गया पेपर, खैर ये डायरी थी, मुझे ये बहुत अच्छी लगी क्योंकि मेरा फेवरेट कलर ब्लैक भी है और ये मुझे बड़ी क्यूट सी लगी थी, स्पेशली इसका जो टेक्सचर है बहुत ही सॉफ्ट है और वेरी नाइसली है। मैंने भी इस पर कुछ लिखा है क्योंकि अभी मुझे बाबा ने रिसेंटली ही गिफ्ट किया तो मुझे मौका नहीं मिला, इंशाल्लाह मैं इसको यूज़ भी करूँगी। और अपने अच्छे अच्छे से नोट्स जो हैं या अपनी लाइफ के बारे में मैं सोच रही हूँ मैं इसको किस लिए यूज़ करूँ, यानी कि अपने सेल्फ के लिए यूज़ करूँ या अपनी स्टडी के लिए। खैर इसके लिए बाद में सोचते हैं, इसको भी करते हैं क्लोज। और डायरी के लिए थैंक यू सो मच माय डियर लवली बाबा जान। और सेकंड जो है ये रजिस्टर जो है ये भी स्पेशली, जाहिर सी बात है बाबा ने ही मुझे लेके दिया है, बाबा इनका भी जो आपको चाहिए वो आप ले लेना। तो मैंने अपनी जब ये शॉपिंग की साथ ही मुझे मैं उनका मामा मुझे स्टेशनरी में भी चाहिए, तो मामा कहते हैं ठीक है जाहिर सी बात है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो ये मुझे रजिस्टर जो है ना वहाँ पर काफ़ी अच्छा लगा था, मुझे इस तरह का ही बाय करना था, इट्स फील रियली सीनियर वाइव। तो इसके स्प्रिंग्स वाली मुझे चाहिए थी क्योंकि मुझे अक्सर जो पेजेस है ना वो टियर करने पड़ते हैं। मैंने तब ओपन तो नहीं किया, अभी मैं आपके आपके साथ कर रही हूँ, मुझे इसका फ्रंट बैजर भी बहुत अच्छा लगा, बड़ा क्यूट सा था राइट, और स्पेशली मरी हिल्स वगैरह मेरे फेवरेट प्लेसेस भी। और सबसे अच्छी बात यह है कि जब आप इस तरह की चीज़ें देखते हैं ना तो आपका माइंड बड़ा फ्रेश सा हो जाता है, मोटिवेट हो जाता है कि जाहिर सी बात है मैं पढ़ूंगी अच्छे नंबर लेंगे तो जाहिर सी बात है हम इंशाल्लाह वेकेशन में जाएंगे बाबा खुश होके, तो देख के बंदा खुश हो जाता है मैं कुछ लिखूँ पढ़ूँ, तो ही बड़ा अच्छा स्टार्टर जो है ना वो माइंड को, फर्स्ट स्टेप जो अच्छा माइंड को गुड वाइब्स देना होता है। तो आप भी इस तरह की चीज़ें जो है ना वो कवर किया करें। फिर इसको मैं ओपन किया है, लाइट से मेरे डम से पेजेस हैं जिसको मैं इंशाल्लाह कवर अप करूँगी, और साथ ही नैरो लाइन में मैंने रजिस्टर लिया है। और इसके जो वेथ्स हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा पेजेस हैं जो कि मुझे लगता है इंशाल्लाह मेरा काफ़ी जो स्पेसर्स हैं वो कवर कर लेंगे। और इसके बारे में भी मैं सोच रही हूँ मैं इसको किस चीज़ में यूज़ करूँ, यानी कि अपने सेल्फ के लिए, क्योंकि मुझे जो है ना टेक्सचर्स का, आर्ट्स का और कवरिंग का बहुत शौक है, स्पेशली यानी कि कोट्स वगैरह लिखने का, अपनी स्टोरीज का। तो मैं कंफ्यूज हूँ ज़रा सी, लेकिन चलिए मेरी इस बारे में भी मैं सोचूंगी, लेकिन इंशाल्लाह गुड फेथ ही यूज़ होगा मेरी स्टडी के लिए ही या मेरे सेल्फ के लिए भी। तो ये काफ़ी स्पेस जो है वो एक्यूरेट कर रहा है और साथ में इसका कवर करके इसमें जो है ना लिखने में भी अच्छी वाइब है, इनके हार्ट भी है और लिखते हुए भी इंशाल्लाह अच्छा सा लिखा जाएगा, इसके पेज भी बहुत नीट एंड क्लीन है और सॉफ्ट है काफ़ी, तो इंशाल्लाह राइटिंग भी अच्छी ही होगी और साथ में जो मैंने जिस चीज़ के लिए भी इसको यूज़ करना है। तो चलिए जिसको करते हैं क्लोज, और साथ ही मेरे पेन जिन चीज़ों को मैं सेव करती हूँ, और ये पेन जो है ना वो मैंने फ़िलहाल इसलिए ये पेनों वाले के लिए क्योंकि इनकी निब्स जो है वो बहुत अच्छी होती है, जिससे आपकी जो राइटिंग है ना वो बहुत ही सिंपल और बड़ी जो है ना नीट एंड क्लीन होती है, बट स्लिम सी होती है, यानी कि वो जो मोटा मोटा लिखा जाता है, इंक पेन जो इंक वगैरह भी रिलीज होती है आपके हाथ गंदे हो जाते हैं, मुझे वो पेन्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो इसकी जो है ना मुझे निब बहुत अच्छी लगती है। मेरा मेरे तो पेन पहले भी थे लेकिन वो एक्चुअली मेरे जो है ना मेरे से मिसप्लेस हो गए, और वैसे भी जो मेरे पेन है इसे देखे मैचेबल भी हैं और इसमें भी लिखते हुए काफ़ी अच्छे टेक्सचर वाइज भी है कि राइटिंग अच्छी होगी मेरी। वैसे भी इसका जो कंट्रास्ट है वो भी काफ़ी अच्छा देखे मेरे पेन के साथ भी, और वैसे भी मुझे स्टेशनरी कलेक्शन का बहुत शौक है, इसका मैं करती हूँ पैक। चलें जी दो में आ देखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।